नमस्कार, टूब्रू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल एक बार फिर से हूँ आपके साथ। और इस वक्त शाम के 7 बजे जो शख्सियत हमारे साथ हैं, एक जाना माना चेहरा टेलीविजन सीरियल्स और सिनेमा का, बहुत ही खूबसूरत स्माइल, बेहतरीन अदाकारा, स्वागत करती हूँ सुप्रिया शुक्ला जी का। नमस्कार नमस्कार काजल, और मेरा नमस्कार सबको जो इस समय हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस रूबरू के मंच पर आने के लिए सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक जो हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसके जरिए हम जो यंग परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए यंगस्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो शख्सियत हैं जो हमारे यहाँ आती हैं, उनकी जो लाइफ की जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, ताकि उनसे इंस्पायर हो सके। तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप अपनी आपकी जो जर्नी रही है वो आप हमसे जर्नी साझा कीजिए। बहुत ही लंबी है। मतलब अब नेचुरली जहां आप पहुंच गए हैं, जो आपकी उम्र है और जितने एक्सपीरियंसेस एड अप हुए हैं, तो जर्नी हैज बीन वेरी लॉन्ग। मतलब कहाँ से शुरू करूँ। स्टेज से हमेशा से ही प्यार रहा, बचपन से। मतलब मैं कथक सीखती थी, और उसके बाद मम्मी, मुझे याद है मेरे फादर FCI में थे, फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जम्मू में, और मैं वहां पर जब KG या नर्सरी में थी तो राधा ना बोले पे नाचती थी और मेरी मम्मी पीछे बैक स्टेज में गाती थी। और वहां से लेकर फिर मैं दिल्ली आई, ज्ञान भारती स्कूल, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल इन दिल्ली। और कैसे हमारे जो डायरेक्टर थे मिस्टर MN कपूर, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पद्मश्री इन एजुकेशन इन इंडिया, तो उन्होंने कैसे मेरे में वो टैलेंट देखा। और मैं कृष्ण अभिनय बहुत करती थी, बिकॉज मेरे टीचर्स को लगता था कि मेरे भाव भाव जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी भी कुछ टीचर्स जो हैं मेरी लाइफ में जुड़ी हुई हैं, और वो लोग हर मतलब पॉइंट पे मुझे गाइड करती हैं, तारीफ करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज वो कृष्ण अभिनय करा, फिर उसके बाद बैलेस करती थी, काफी कुछ मैंने स्कूल में वो किया जिसमें डायलॉग्स नहीं होते थे। तो आई गेस उस भाव जो है मेरे, वो ज्यादा आप कह सकते हो उनको ज्यादा अटेंशन मिला। आई कुड डू दैट बिकॉज टीचर्स वैसे थे अच्छे, इतने अच्छे हमें मुझे टीचर्स मिल गए। उसके बाद मैंने स्कूल में इंग्लिश प्ले किया, पर बैलेज में ज्यादा करती थी जिसमें कोई डायलॉग ही नहीं रहता था, और डांस के थ्रू आप पूरा जो है ना सारा आप अभिनय करते थे। शशिधर नायर जो सर है वो हमारे को बैले सिखाते थे, वो छाऊ डांस के काफी महान हस्ती हैं। और उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज आज मेरी जिंदगी जो है वो काफी बदल गई, क्योंकि मैं टेलीविजन में कुछ कुछ करने लग गई। और स्टेज, LSR ने जो स्टेज मुझे दिया, मैं हिंदी ड्रामेटिक से जुड़ गई, और वहां बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। फ्रॉम मनोज वाजपेयी टू, वो लोग डायरेक्ट करने आते थे कॉलेज में प्लेज, और अच्छे जन जो स्वानंद किरकिरे, काफी आशीष विद्यार्थी, इन सब लोगों के साथ काम करने को मिला। ये लोग तब आते थे हम लोग का मतलब वो थिएटर वर्कशॉप लेने वगैरह, तो कभी किसी प्ले में मैं होती थी, किसी में नहीं भी होती थी। और इस तरीके से LSR का जो स्टेज है उसने मुझे मतलब इससे जोड़ा, थिएटर से। एज सच थिएटर नहीं कहूंगी, बट कॉलेज में जो थिएटर होता है, बट LSR इज वेरी प्रेस्टिजियस। तो हम लोग जगह जगह कॉलेज फेस्टिवल्स में जाते थे और वहां जीतने लग गए और बेस्ट एक्ट्रेस मिल गया, और इस तरीके से शौक आ गया। बट घर पे हमेशा यही होता था कि भाई बैलेंस बनाए रखना पढ़ाई और इन सब का, तो वो भी बना रहता था कि एजुकेशन ऑल्सो हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन योर लाइफ। तो साथ साथ सब चलता गया, वो एक हॉबी के तौर पर चलता गया। और फिर मैं MBA करने स्टैनफोर्ड जाने वाली थी, मेरा एडमिशन हो गया था, और कैसे मैं जाने से पहले सोचा बस एक और कुछ कर लूं, और कॉल आया और मैं यूपी में कुछ शूट करने गई, और वहां मेरे पति से मेरी मुलाकात हो गई, और सब अरे स्टैंड छोड़ छाड़ के मैंने उनसे शादी कर ली। और शादी के बाद वो वाईकॉम में थे, TV18 में दिल्ली में, और मैं, मेरी बिटिया आ गई, शादी 94 में हुई दिसंबर, एंड 96 शी केम इनटू माय लाइफ। बट उसके साथ साथ मैं जिनके साथ प्ले करती थी, Act 1 के साथ मैंने 2 प्ले किए हैं इनके शर्मा के ग्रुप के साथ। इनफैक्ट जी 20th एनिवर्सरी ऑफ टैग बेरेजॉन का भी पीयूष भाई जो है, पीयूष मिश्रा, वो उनके लिए एक प्ले लिखा था, तो उसमें मैंने मेन रोल किया था। तो गजराज राव जो है वो प्ले से जुड़े हुए थे, और NK को असिस्ट करते थे अपना सुजीत सरकार, सुजीत भैया, वो मेरे नेबर भी थे, उनकी वजह से ही मम्मी ने इनफैक्ट मुझे अलाउ किया कि आप प्ले कर लो, बिकॉज सुजीत भैया के साथ में जाती थी और उनके साथ ही वापिस आती थी। तो
इतने अच्छे अच्छे लोगों से सराउंडेड मैं रही, तो मुझे लगता है आई वॉज वेरी लकी एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जिंदगी में शायद कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हाँ ये जरूर है कि जो कुछ दिया गया वो मैंने बहुत तन्मयता से, बहुत पैशन से किया, बिकॉज एक्टिंग फॉर मी इज माई लव, आई रियली लव टू परफॉर्म। और जब एक्शन सुनती हूँ और कट सुनती हूँ उसके बीच में मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे वहां जाने से रोक कर यहाँ भेज दिया। बस उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो गई और शादी के बाद भी मैं एड्स करती थी और गजराज और सुजीत भैया जुड़ गए, सुजीत सरकार प्रदीप दा से, और प्रदीप सरकार से मेरी मुलाकात हुई और प्रदीप दा के करियर का सेकंड एड मैंने शूट किया एज अ मेन मॉडल। और मुझे नहीं पता था एड्स में क्या करते हो, मुझे लगा बस इतना सब एक एक्सप्रेशन, एंड देन दादा वॉज प्रदीप दा वॉज लाइक फैमिली। और परिणीता भाई वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, माई हस्बैंड शिफ्ट टू बॉम्बे, फिर मैं आ गई 1 साल के बाद, और परिणीता मुझे बेसिकली प्लेटर पे दे दी उन्होंने, और उसके लिए क्या मैं बात उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, बिकॉज ऐसा उन्होंने मुझे बोला मेरी फिल्म है और तुझे करनी है। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि बॉम्बे जैसे शहर में मुझे तश्तरी पर सजाकर उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म दे दी। और मैं उस समय थोड़ा मेरा वेट था बिकॉज आई वॉज 29 और मेरी दूसरी बिटिया पैदा होने वाली थी, और तब उन्होंने मुझे बोला कि अपना वेट लूज मत करना बिकॉज संजय दत्त तुम्हारे छोटे भाई बने हुए हैं एंड संजय इज मच एल्डर टू मी, तो इस ही सेट ऑफ 60s की है तो तुम अपना वेट रखना। बस वो वेट मैंने जो तब रखा वो अभी तक है बिकॉज उसके बाद समय ही नहीं मिला। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, काम बस आता गया और अच्छा काम आता गया और मैं करती गई, और ये जो जर्नी है ये सब जब तब से शुरू होती गई है वो मेरे मरने तक चलती ही जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है आपकी, तो मैं ये जरूर कह सकते हैं आप सिर्फ टेलीविजन एंड सिनेमा से ही नहीं जुड़ी हुई हैं, आप रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने हाँ शुरू तो में कहा कि टेलीविजन सिनेमा, तो आप रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं, वहां का भी आपने वो जो चीज है वहां की भी आपने चीज देखी है। तो ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने कहा एमबीए पढ़ करने के लिए जा रही थी आप, तो आपका थिएटर, आपका जो ये काम साथ साथ चलता रहा और स्टडीज आपकी चलती रही, तो ये जानना चाहूंगी जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, ये जो यंग परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि पढ़ना कितना जरूरी है, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना कितना जरूरी है, ये जरूर मैं पूछूंगी आपसे। मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारे देश में तो वैसे भी एक डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। आप एक लेवल, क्योंकि एजुकेशन आपको सिर्फ यही नहीं देती कि आप बस रट्टा मार लीजिए और एग्जाम क्लियर कर लीजिए, एजुकेशन आपको समझ देती है, समझ देती है कि आप अपनी जिंदगी आगे कैसे जीने वाले हैं, आप उसका संतुलन कैसे बिठाएंगे। क्योंकि मैंने मेरे सामने ही बिना नाम लिए काफी लोगों को मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि जो नहीं ज्यादा पढ़े हुए हैं और भी इस फील्ड में आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा इनसिक्योर फील्ड है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफिस की तरह या किसी भी और ऑफिस कॉर्पोरेट की तरह आपको कोई असर्ट नहीं करता कि आपकी इतनी पे होगी, हर महीने इतना मिलेगा, 5 साल आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नहीं है। लेकिन आपकी पढ़ाई तब आपको ये एक समझ देती है कि मुझे कैसे मैनेज करना है अपनी चीजें। तो मुझे लगता है एक्टर को तो हर हाल में पढ़ना लिखना ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखेगा भी तो उसे पढ़ने का भी शौक होगा। एक्टर को जी पढ़ना भी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों का, प्लेज का, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल द टाइम, बिकॉज हाउ इन्फॉर्म्ड यू आर, हाउ एजुकेटेड यू आर शोज इन योर वर्क, योर पर्सनैलिटी, योर परसेप्शन टुवर्ड एनी कैरेक्टराइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि बस कर लिया, उसके पीछे काफी मेहनत होती है, और ऐसी मेहनत होनी चाहिए जो मेहनत दिखाई ना दे कि मेहनत है। एक सही बात, मतलब किस्सा कहीं किसी ने सुनाया था कि कोई एक एक्टर थे, आई थिंक हॉलीवुड का है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ द एक्टर्स, और वो बैठे हुए थे और एक वॉर फिल्म थी, और दूसरे एक्टर जो है वो भी काफी, इज अ क्वाइट अ बिग एक्टर, वो उनका कुछ वॉर सीन था और वो उनको दिखाना था कि वो आते हैं एंड ही हैज टू से समथिंग कि हम हार गए या कुछ ऐसा, तो वो नेचुरली पूरी उसकी लोकेशन का 4-5 चक्कर लगाते हैं, और वापस आकर जब वो सीन शुरू होता है तो ही इज लाइक रियली टायर्ड, देर इज स्वेट एंड यू नो ही इज फैफिंग, उनका काफी सांस चढ़ी हुई है, तो जो सीनियर एक्टर बैठे हुए थे वो अपना डायलॉग बोलते हैं,
तो जब रिहर्सल हो जाती है, सो ही सेज कि व्हाट हैपेंड, सो द यंगर वन सेज कि आई वांटेड टू बी इन द रोल, सो मैं इतना भागा एंड बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू लिव इट लाइक यू नो रियल. तो ही जस्ट सेज वन सेंटेंस दैट व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग कॉल्ड एक्टिंग. तो मुझे ये बात जो है वो बहुत ही मजेदार लगती है कि हम लोग कितना भी ऐसा पसीना ये हो रहा है, लेकिन जब एक्ट करना होता है वी कैन एक्ट इट आउट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन, एक अलग तरीके का डायमेंशन है. आप इतना थके होने के बावजूद भी आपको कई बार दिखाना होता है कि आप बिल्कुल काम है, और कई बार बहुत ज्यादा काम होने के बावजूद भी आपको दिखाना होता है कि आप थके हुए हैं. यही तो मैजिक है एक्टिंग का. लेकिन इसके लिए मैं हर उस बच्चे से, यंगस्टर से, जो भी फील्ड से जुड़ना चाहे, मेरे ख्याल से सब सेम है. अगर आप एड करना चाहें, आप थिएटर करना चाहें, आप टेलीविजन करना चाहें, आप सिनेमा करना चाहें, परफॉर्मेंस तो करनी ही पड़ती है. वो जो एड है वो बल्कि बहुत ही ट्रिकी है. आपको सारा जो सनमे है उसका, वो जो पूरा क्रक्स है, वो कुछ सेकंड्स में ही आपको दिखा देना पड़ता है. थिएटर में आपके पास एक लाइव ऑडियंस होती है, वो आपको एनर्जी देती है, तो उस एनर्जी से आपका और अच्छा हो जाता है बिकॉज आपको लाइव मिलता है. तो एक जो इंट्रैक्शन आंखों ही आंखों में होता है, मुझे पता है मैंने पृथ्वी में एक प्ले किया था, और पृथ्वी थिएटर इन बॉम्बे इज लाइक आई कुड जस्ट सी द टीयर्स इन आईज ऑफ ऑडियंस. तो आपको इतनी ताकत मिल जाती है उससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है. लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई अगेन जरूरी है. यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो, आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है. पढ़ाई आपको वो समझ देती है कि आपको किस तरीके से अपनी इमोशंस को भी रखना है, आपको पढ़ाई कितनी करनी है. और एक स्टेबिलिटी भी आती है, ईश्वर ना करे अगर आप ये चीज नहीं कर सके तो कम से कम कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का अंत तो नहीं हो जाता है. आई नो आप कितनी भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत सालों तक करने के बाद भी कुछ एक्टर्स को वो मौका नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं. तो पढ़ाई के साथ साथ आप एक जीविका तो अर्न कर ही सकते हैं. यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, और आप ट्राई करते रहिए. एक दिन तो आएगा ही जब आपको वो पर्दा मिलेगा या वो स्टेज मिल जाएगा, तो हारना नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है पढ़ाई आपको वो ताकत देती है, इट्स योर वेपन. तो हर कलाकार को, इनफैक्ट सबको ही पढ़ना चाहिए, पर कलाकार को पढ़ना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि अगर जो कोई यंग भी आ जाते हैं बच्चे, मैं उनको बोलती हूँ प्लीज पढ़ाई खत्म करो. पढ़ाई ये नहीं है कि उसकी डिग्री से कोई फर्क पड़ेगा, बट पढ़ाई अपने आप में आपका एक हथियार है. शिक्षा क्या एक बात, बहुत बड़ा हथियार है, यू शुड यूज इट ऑलवेज. क्या बात, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही. और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. जसकिरण चोपड़ा जी, सुचित्रा जी, विनीता ठाकुर जी लिखती हैं कि आपकी जो कॉमिक टाइमिंग्स है वो बहुत कमाल की है, और कॉमेडी करना बहुत आसान नहीं होता. आप क्या कहेंगी? सच में कॉमेडी करना बहुत, सबसे मुश्किल काम है कॉमेडी करना. आप क्या कहेंगी? नहीं, आज सच कह रहे हैं. एक्चुअली मेरे हिसाब से तो हर रोल आसान और सबसे मुश्किल होता है. अगर आप मन से करते हैं, तो अगर आप खुश हैं उसे करते हुए, तो हर चीज आसान भी है और मुश्किल भी है. कॉमेडी इसलिए भी मुश्किल होती है क्योंकि जो रोना है वो आपकी जिंदगी में एक होता है. मतलब आप किसी भी बात को याद करके आपको रोना आ जाता है. लेकिन आई नो टेलीविजन में कई बार बहुत मुश्किल होता है, आप रोज कई बार इतने इमोशनल सीन्स भी करते हो, लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है. लेकिन बहुत हंसाने, हाँ, हंसाने के लिए आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका को एक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डायरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, सेटअप पूरा बहुत अच्छा होना चाहिए. और लकीली मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे अच्छे जो है वो मतलब लोग मिल गए हैं, तो इसीलिए सब कुछ अच्छा अच्छा रहा है. बट ऑफकोर्स कॉमेडी करने में मजा बहुत आता है, लेकिन बहुत ताकत लगती है. आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत जी. मतलब इतनी ताकत लगती है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए हमेशा. आप हमेशा अपने टॉप पे रहने चाहिए, आप थके भी हो आपके फेस पे नहीं आना चाहिए, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, इट शुड नॉट शो ऑन योर फेस. आपकी जो क्या कहते हैं डिक्शन है वो क्लैरिटी में रहना चाहिए, क्योंकि आप फास्ट बोलते हैं कॉमेडी में कई बार, क्योंकि डायलॉग टक 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 चलते हैं. तो इतना सब होने के बाद आप सब कुछ करते हुए जब कॉमेडी करते हैं, तो इट्स अ लिटिल स्ट्रेन्ड, बट आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये तो बहुत ही आरामदायक है, इसमें तो मुझे कुछ स्ट्रेन ही नहीं हुआ. तो अच्छा लगता है, तो हर तरीके की चीजें करना अच्छा लगता है. कलाकार का तो मजा ही यही है कि
एक मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है, मैं अभी कुछ साल पहले एक सब टीवी का शो करती थी और साथ साथ में कुमकुम भाग्य भी कर रही थी, और बाय चांस कुछ दिनों ऐसा हो गया कि मैं पहले जो है वो सब टीवी के शो के लिए जाती थी और शाम को कुमकुम करने आती थी, तो वहां मैं खूब हंसती थी और गाड़ी में बैठती थी और इस सेट पे आती तो यहाँ खूब रोती थी और उसके बाद घर पहुंचती थी। सो आई यूज टू बी सो टायर्ड बट आई यूज टू बी सो थैंकफुल टू गॉड कि मैं एक ही दिन में हंसती भी थी और रुलाती भी थी ऑडियंस को, और खुद तो क्या रोती क्या ही थी। तो इट्स बात, मैं क्योंकि हम लोग जो कलाकार को ऐसा मौका मिलता है, जिस अभिनेता को ऐसा मौका मिलता है, वो उसको भगवान हैज बीन रियली काइंड कि हम सही साइमल्टेनियसली एक दिन में मतलब कॉमेडी और क्या कहते हैं इमोशनल दोनों कैरेक्टर्स कर सकते हैं। क्या बात। निखिल दीवान लिखते हैं, यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आप बहुत खूबसूरत बात भी करती हैं। और आई लव यू अच्छा निखिल, निखिल इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, और जब हम यस बॉम्बे में हस्बैंड आ गए थे और हम लोग तब तक बॉम्बे शिफ्ट नहीं करे थे, तब से वो हमारे दोस्त हैं, तो उन्हें मेरी जर्नी अच्छे से पता है कि कैसी जी जर्नी रही, जो मैं बता रही हूँ कि आई हैव बीन टच वुड वेरी लकी दैट गॉड हैज बीन सो काइंड टू मी, सो ही नोज इट ऑल। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच, लव यू। अर्चना प्रभाकर जी जो खुद एक बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी रेडियो की कलाकार भी है और इन्होंने स्टेज से भी जुड़ी है, बहुत अच्छी कमाल की अदाकारा, वो लिखती हैं कि सुप्रिया जी इज वेरी नेचुरल। ये तो बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। और कश्मीर से आपके लिए एक मैसेज आया है, अय्याज शारिफ साहब लिखते हैं कि मैं वो आपके फैन है, जबकि वो खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं एक्टर हैं, वो लिखते हैं कि आई एम योर फैन। तो चित्रा जी ने भी आपके लिए बहुत मैसेज भेजा है, वो भी LSR में, उन्होंने शी इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने ड्रामा 5 ड्रामास किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टू लाहौर, और एसआर लाहौर लेकर गई थी वो एक टीम जिसमें LSR भी थी, LSRB की ओके भी एक टीम। तो ये ओके जाना, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा किरदार और मैं बल्कि मैं 93 की पास आउट हूँ LSR से, मेरा मौका रह गया, अगर आप तब होते तो मैं आई वुड हैव डेफिनेटली लव्ड लाइक यू नो टू गो एंड परफॉर्म दैट प्ले देयर, बट एनीवेज थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहती हो या आपकी बहुत क्लोज रहा हो आपके दिल के। मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जो भी रोल्स लेती हूँ वो लेती ही तभी हूँ अगर मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ, वरना कई ऐसे रोल्स हैं जो मेरे पास आते हैं और कई बार कमर्शियली वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मॉनेटरी भी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मैं उसमें अपने आप को नहीं पा पाती हूँ कहीं ना कहीं, तो फिर मैं वो नहीं करती हूँ। इस वजह से कई लोग बोलते भी हैं, उन कईयों को लगता है थोड़ी लेजी है शायद, या कईयों को लगता है ओ शी डजंट वांट टू डू इट, लेकिन उसके पीछे रीजन यही होता है कि मुझे अपने आप को कहीं उसमें खोजना पड़ता है, अगर कैरेक्टर में मुझे एक थ्रेड भी मिल जाए कि मैं उस अपने आप को ढूंढ पाती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर कर लेती हूँ, फिर उसको बिल्टअप करती हूँ। उस वजह से ही शायद आई नो, मतलब बालाजी हैज बीन वेरी काइंड टू मी, और वो एक टेलीविजन का काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मेरे एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और एकता हैज बीन रियली रियली काइंड टू मी, क्योंकि मेरा जो एक टीवी में घुसते ही ऑलमोस्ट सेकेंड ही प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया था, वो बंगाली एक लेडी होती है, और वो कैरेक्टर जो है वो इतना डिफिकल्ट था कि उसको करते करते मैंने अपने आप को एक्चुअली डिस्कवर किया एज अ परफॉर्मर। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कभी भी कि मुझ में इतनी ताकत है एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, क्योंकि वो उन्होंने इतना कैरेक्टर, वो बहुत ही बहुत सारी लेयरिंग्स थी उस कैरेक्टर में, और वो अजब ही औरत थी वो, उसका नाम था लाबोनी, और मैं स्टार प्लस का शो था वो, और वो मतलब एकदम उन्होंने मुझे काफी डिस्क्रिप्शन दिया था उसका एकता ने कि आप क्या कहते हैं बंगाली हैं, और फिर एक टाइम के बाद वो एक महीने के बाद ही उसका हस्बैंड मर जाता है, सो शी इज अ विडो, तो बाल मैंने अपने एक्चुअली में चॉप कर दिए थे बहुत छोटे, और एकदम फ्लैट चप्पल पहनती है सो दैट शी गेट्स दैट गट्स की मतलब मेरे में ताकत है, और वो करते करते मुझे मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे में इतनी ताकत है क्या एज अ परफॉर्मर,
तो थैंक यू टू दैट कैरेक्टर कि मुझे लगा कि मैं ऐसे कैरेक्टर कर सकती हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत है। और इसीलिए जब भी कोई कैरेक्टर आता है मैं उसको देख लेती हूँ कि अब मैं उसके साथ कौन सा एक सिरा है जो पकड़ सकती हूँ। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे हर कैरेक्टर ही अपना ड्रीम कैरेक्टर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस कैरेक्टर को मैंने दिल से किया कर पाई, क्योंकि अगर मैं जुड़ी नहीं तो मैं दिल से नहीं कर पाऊंगी, अगर मैंने दिल से किया तो वो स्क्रीन के थ्रू उस दिल तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचा तो मैं फेल हूं। सही और कनेक्ट। इसलिए हर कैरेक्टर जो मैंने किया है वो मेरे लिए ड्रीम कैरेक्टर ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ईमानदारी से उसे निभा पाई तो मेरी सफलता है, और अगर मैं उसे नहीं निभा सकूंगी ऐसा मुझे लगता है तो मैं उसे लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई दूसरा कलाकार उसे बेहतर कर पाएगा। तो मैं राइटर के साथ धोखा नहीं करना चाहती, ना अपने आप से धोखा करना चाहती हूँ। और एक दो बार ऐसी गलती हुई है तो मैंने फिर कुछ टाइम के बाद खुद ही बोल दिया है कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकती, क्योंकि इस कैरेक्टर का सिरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम टू कंफ्यूज्ड, तो बेहतर है कि मैं चली जाऊं, और ये मैंने किया है। हरिल शुक्ला जी हमसे जुड़े हैं। हरिल हरिल शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि घर पर हस्बैंड भी अच्छा आपके हस्बैंड है फिर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी जी। नहीं जितेंद्र कह रहे घर में भी आप उसी करेक्टर में रहती थी, लाबोनी के करेक्टर में बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं ये कार्यक्रम करती थी 2010 में, तब इतना ऐसा सिंट वो नहीं था, और मैं काफी काफी घंटे सेट पर ही रहती थी, और मैं वापिस ही नहीं आती थी घर पर। और जब मैं आती भी थी तो क्योंकि वो उन लोगों को पहला एक वो मिल रहा था, क्योंकि मैं टेलीविजन शुरू ही किया था, तो अब मैं आती थी और उनको लगता था अब ये थोड़ा सा रेस्ट करेगी या हमसे बात करेगी, तो मैं बोलती थी अब बस आई हैव टू गो इन लिटिल मोर टाइम। तो वे बोलते थे तुमने लाबोनी के साथ ही रहना शुरू कर दे, तुम सुप्रिया कब बनोगी। बट मैंने उनको बोला कि ईमानदारी से मुझे उस कैरेक्टर से इतना प्यार हो गया था कि मैं थकती ही नहीं थी, मैंने कई बार उस कैरेक्टर के लिए 36 36 घंटे लगातार काम किया है। एंड आई एक्चुअली वॉन्ट टू से ऑल द एक्टर्स जो अभी जुड़े हुए हैं या एक्टिंग लेना चाहते हैं कि यही पैशन हो तभी करना चाहिए एक्टिंग। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ बहुत कोई ग्रेट हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अभी छोटा समझती हूँ, क्योंकि हम लोग बच्चन सर और पंकज कपूर सर और इन सब के तो मैं समझती हूँ वो छोटी पैर की उंगली रहती है ना, उसके नाखून के बराबर भी नहीं है अभी, अभी बहुत सीखना है। लेकिन जहां तक भी थोड़ा बहुत पहुंच गए हैं, अगर आपके पास पैशन नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आप 26 36 घंटे लगातार उसी ताकत से काम करते रहे, नहीं करना पड़ता है, अब तो खैर 12 घंटे का वो है, लेकिन अगर करना पड़ता तो उतनी ही शिद्दत से कर सकते हैं, तभी एक्टिंग करिए, नहीं तो दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही, डेडिकेशन की बात करी, और आप उस करेक्टर को जीने लगी थी जो करेक्ट, करेक्टर की आप बात कर रही हैं, और करेक्टर को जीना बहुत जरूरी है। सही होता है काजल, मैं जो जो करती हूँ मैं उस कैरेक्टर को जीने ही लग जाती हूँ, इसलिए बीच में मैंने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स करे थे और उसके बाद में इतनी चिड़चिड़ सी हो गई थी, तो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स करने बंद कर दिए, क्योंकि आप एक सबकॉन्शियस में आपका वो कैरेक्टर आपके साथ रहने लग जाता है। और स्पेशली डेली सोप्स में एक सरला का जो कैरेक्टर करती हूँ कुमकुम भाग्य में, और उसका ही स्पिन ऑफ है कुंडली भाग्य, सो उसको करते हुए 6.5 साल हो चुके हैं मुझे, 6.5 साल से मैं सरला का कैरेक्टर कर रही हूँ। सरला ने मुझे बहुत प्यार दिया है, शी इज मेड मी इंटरनेशनल, मतलब मैं इंडोनेशिया गई हूँ सरला के, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हैं। मैं इनफैक्ट टर्की भी कुछ शूट करने गई थी, इस्तांबुल, वो आपको मतलब मुझे लगा कि मैं मतलब सरला इज सो फेमस मैन, वो उस और वो माँ है, वो ऐसा भी नहीं कि मैं प्रोटैगनिस्ट मतलब कर चुकी हूँ यंग एज में, बट अब मैं मदर का कैरेक्टर करती हूँ, कि माँ का कैरेक्टर इतना फेमस है वो बड़ी बिंदास माँ, शी इज अ वेरी स्ट्रांग मदर, और लड़कियों की बेटी है फिर भी बहुत स्ट्रांग है, तो एक वो मैसेज भी बहुत अच्छा है कि वो डरती ही नहीं है, अपनी बेटियों को बोलती है कोई गलत करता है घर वापिस आ जाओ, तो ऐसा टीवी में नॉर्मली कम होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस कैरेक्टर को करना, और आई लिव विद दैट, वो मेरे सबकॉन्शियस में हर जगह जाती है, 6.5 साल से क्या वो मेरे साथ है, उसने मेरे जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, मतलब
सेट पर थी एंड आई यू नो आई लॉस्ट माय फादर, वहीं फोन आया है, मैं वहीं से एयरपोर्ट से गई हूँ, मैं वापस एयरपोर्ट से वहीं शूट करने आई हूँ, आई लॉस्ट माय मदर 4 years बैक ऑन दैट सेट ओनली. तो उस कैरेक्टर ने मेरे बहुत जीवन की चीजें देख ली हैं, तो वो कैरेक्टर भी मेरे साथ एनरिच होता गया. तो मतलब जब आप ऐसे कैरेक्टर करते हैं जो इतने टाइम तक चलते रहते हैं, वो आपके साथ बड़े होने लगते हैं, तो क्या वो बात उसकी स्ट्रेंथ प्लस माइनसेस बनते जाते हैं. इट्स ब्यूटिफुल आई गेस. क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही. जितेंद्र त्रेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रिया जी ने अपने आप को प्रूव किया है, यू आर सिंपली वंडरफुल. थैंक यू जितेंद्र जी. जितेंद्र जी भी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और मतलब हम लोगों ने जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, फिर सब मेरे दोस्त बन गए और हमसे बड़े हैं. थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, और बहुत अच्छा लगा आप जुड़े इस समय. और हम लोग मतलब तब मैंने काम करना शुरू भी नहीं, मतलब मैंने छोड़ रखा था अपने बच्चों के कारण, और फिर भी हम लोग तब मिलते थे. अब काम करते हैं तो अब मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जहां भी जहां होते हैं एक दूसरे के लिए विश करते हैं और एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि जुड़े रहें. जी, जुबेदा शौकत हमारे साथ जुड़ी हैं, वो लिख रही हैं, सुप्रिया मैम यू आर सो क्यूट, स्पेशली योर रोल इन कुमकुम भाग्य. थैंक यू सो मच. मैं अभी जुबेदा काजल से कुमकुम भाग्य के बारे में ही बात कर रही थी कि कितना लोगों ने प्यार दिया है सरला को, दैट आई फील सो इंडेप्टेड टू एवरी वन हु लव सरला. और अच्छा लगता है कि टेलीविजन पर जो बेटियों की माँ है वो बेचारी नहीं है. वो लड़ती है अपनी बेटियों के लिए, और वो अपनी बेटियों को सिखाती यही है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है. मेरी खुद भी रियल लाइफ में 2 बेटियां हैं, तो रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है. ऑफकोर्स हम फिक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उसको रिलेट करना इजी हो जाता है. वो अपनी बेटियों को कभी भी नहीं बोलती है कि ये करो वो करो, वो बोलती है हर रिश्ते को अच्छे से निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो. सो दैट इज अ क्या वेरी गुड बात, थिंग कि हम अपने छोटे से तरीके से कुछ तो मतलब सोसाइटी को वापस दे सकते हैं. आई थिंक वो देना भी चाहिए, बिकॉज सब इतने सारे लोग जब हमें हमें देखते हैं या हमारी बात सुनते हैं, तो अगर हम कुछ कह दें तो शायद उनमें से अगर एक दो भी मान जाएं या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए, तो मेरा कलाकार बनना साकार. क्या बात, क्या बात. अनिखी लिखते हैं, यू आर जस्ट फैब इन बंगाली करेक्टर. यार बिकॉज परिणीता मेरी पहली फिल्म थी और मैं उसमें बंगाली बनी थी, और पहले तो कईयों को लगता था कि मैं बंगाली ही हूँ, लेकिन आई गेस मैंने प्रदीप दा के साथ शायद काफी एड्स करे हैं, और मेरा चेहरा मोरा शायद. फिर बाद में कई लोग बोलते हैं नहीं आप गुजराती लगते हो. अच्छा लगता है कि जो आप बने हो वही सबको महसूस हो कि वही आप लगते हो, तो अच्छी और क्या बात हो सकती है. थैंक यू सो मच. जी, मैं हमारे साथ रूबरू के कुछ रंगकर्मी हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी, तो कौन आएंगे सीन पे आ जाइए, जो सुप्रिया जी से सवाल पूछना वन चाहते करिए. हैं. नमस्कार सुप्रिया जी, नमस्कार रितु. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. जब हम टीवी सीरियल्स में टीवी देख रहे होते हैं और हमारी नजर आप पर, स्क्रीन में आप पर हमारी नजर टक जाती है, आप इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं यू सो मच. थैंक यू रितु. जी. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एज ए वुमन आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस इंडस्ट्री में और एक्टिंग में. मैं सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आई विल बी ओ ऑनेस्ट. वाह, मुझे वेरी गुड. मैंने कि शायद भगवान चाहते थे कि मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊं. मैंने स्टार्टिंग में तो कभी चाहा भी नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बने. मैं एलएसआर में थी, और उसके बाद मैं तो एमबीए करने बाहर जा रही थी, और फिर अच्छा मैंने शादी ली, और मैंने जिनसे शादी करी वो इस फील्ड से जुड़े हुए थे, और मैंने कुछ अच्छा सालों तक काम नहीं किया. लेकिन क्योंकि मैं थिएटर करती थी, एक दो प्लेज ही करे हैं मैंने एनके शर्मा के साथ, एक्ट वन के साथ, अच्छा कैसे वहां से गजराज और सुजीत सरकार, प्रदीप सरकार से जुड़े, और कैसे उन्होंने मुझे वहां बोला तू कर ले, और मैंने बोला मैं नहीं कर रही ये सब. बोले अरे बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं एड्स करने लगी. उसमें भी वो माय हस्बैंड वो अपना गाड़ी ले जाते थे, तो दिल्ली में आप तो जानते ही हो कितना, मतलब मुझे आदत नहीं थी इतनी, तो मेरे लिए कार भेज देते थे. तो मैं
आई डोंट नो, भगवान शायद बहुत मेरे पर अच्छा, मतलब थैंक यू फॉर दैट गॉड। और मुझे गाड़ी मिल जाती थी, मैं गाड़ी में दादा के ऑफिस चली जाती थी और मैं एड्स कर लेती थी। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बॉम्बे में थी एक बार, और एक एड के लिए दादा का फोन आया, वो तब खुद ही कर देते थे क्योंकि फैमिली जैसा ही था हमारा। तो मेरी छोटी बिटिया बहुत छोटी थी, तो बोले ये एड है ऐसे, तो मैंने दादा बोला दादा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मेड नहीं आ रही है और छोटी वाली, तो बोले लगे आ जा तू आधा पौना घंटे के लिए और ये एड करके चले जा, तेरी छोटी को मैं संभाल लूंगा। मुझे अच्छी सी याद है, अपनी बड़ी बिटिया को मैंने ऐसे पकड़ा और छोटी बेटी को ऐसा लिया और मैं घुसी, और वहां जो एड एजेंसी वाले थे और जो प्रोडक्ट वाले थे वो ऐसा घूम के मुझे देखने लगे कि हु इज दिस किड्स हियर एंड डायरेक्टली वॉकिंग टू प्रदीप सरकार। और मैंने दादा की, एक्चुअली दादा ऐसे बैठते हैं, तो मैंने उनकी एक थाई पे अपनी छोटी बेटी को बिठा दिया, मैंने कहा नाउ यू हैंडल। तो बोले प्रोडक्शन तैयार हो गया है वरना इसकी बच्ची को मुझे तब तक संभालना। सो आई बीन रियली लकी दैट वो मैंने ऐड किया, फिर दादा की गोदी से अपनी बेटी को उठाया। और पर मैं सिर्फ उनके साथ ही काम करती थी बिकॉज इट इज वेरी अनप्रोफेशनल कि मैं अपने बच्चों को लेके जगह जगह, तो वो सिर्फ दादा के साथ ही करती थी। और आज मैं जो भी हूँ, आई आई पर्सनली फील दैट प्रदीप दा इज द मेन पर्सन हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि मैं तो काम ऑलमोस्ट मेंटली आधा छोड़ चुकी थी जब बच्चे हो गए थे। दादा ने मुझे इतना कंफर्ट जोन दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ, उनकी मेड के साथ जाती थी सेट पर और शूट करती थी वो। सो आई गेस बिकॉज ऑफ प्रदीप दा आई एम हियर एंड आई एम वर्किंग एंड आई एम लाइक यू नो आई हैव मेड सम स्मॉल प्लेस ऑफ माइन, और मैं एक पैशन के साथ अब वही काम कर रही हूँ जो शायद भगवान चाहता था मैं करूँ। वेरी नाइस nice, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका जिंदगी का सफर सुन रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। नादरा खान है, वो लिखती है यू हैव बिकम द रोल मॉडल फॉर मदर्स एंड डॉटर्स हु कैन टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, यू थैंक यू, आर अ रोल मॉडल फॉर देम। वही मैं जैसे काजल कह रही थी, हाँ, जी जैसा मैं कह रही थी आपसे, बेसिकली जो कैरेक्टर मैं करती हूँ सरला का, और पहले जो लाबुनी का भी किया था, वो भी लड़की की माँ होती है, तो लकीली वो बहुत कैरेक्टर लिखे ही ऐसे हुए हैं कि और मैंने ऑफकोर्स अपना कुछ अपना भी उसमें डाला है एज अ किरदार, तो वो एक मैसेज ही देते हैं कि हर बार कोई जरूरी नहीं है कि बेटी या बेटी की माँ को एक बेचारगी करनी पड़ी हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी बेटियों को स्ट्रांग ही नहीं बनाएंगे तो एक स्ट्रांग सोसाइटी में वो खड़ी ही कैसे हो पाएंगी। तो उनको हमेशा, मेरा क्या बात, हमेशा है कि समाज में आप उन्हें तैयारी के साथ भेजिए, एजुकेशन की तैयारी दीजिए, हर हथियार उनके पास होना यस, चाहिए, प्यार भी करना आना चाहिए, आदर भी करना चाहिए, लेकिन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर कुछ आए फिर छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, ये आपका ही घर है, जब आपको लगे कहीं से कोई भी परेशानी हो रही है अपने घर वापस आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या है। बात, पहले बचपन में भी पढ़ते थे, में भी बेटी ही रहोगे, तो आ जाओ लड़ाई साथ में लड़ेंगे। तो इस शो में भी हमने क्या ऐसा ही किया है। इनफैक्ट कुमकुम में भी जो बड़ी बेटी होती है उसका हस्बैंड कुछ करता है, जो हीरो होता है वो तो फिक्शन में चलता है कुछ ना कुछ, तो माँ जाके उसको दामाद को चांटा मारती है और बेटी को बोलती है चलो, उसको बोलती है तुम आए थे ना बारात लेके मेरी बेटी के लिए, तो तुमको करना था तो पहले बोल देते, और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो घर चलो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ तुम्हें पाल सकती है। सो दैट सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज, क्योंकि हमारी ट्रू, माओ को, हमारी बेटियों को इतना ताकतवर तो बनना चाहिए। मैं बदतम यही कहूंगी कि बदतमीजी करनी चाहिए, हर एक को प्यार करना चाहिए, हर रिश्ते को आपको वो देना चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत के आगे कुछ नहीं, नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, मार सो नहीं खाने ब्यूटीफुल, वो सो यस यस, सो नहीं करना। ब्यूटीफुल। मनोज शर्मा जी लिखते हैं सुप्रिया के साथ काम करने से मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाया, शी मोड सो वेल। मनोज जी हेलो, मनोज जी इज माय सीनियर, और इनफैक्ट उल्टा है, मैंने मनोज जी से बहुत कुछ सीखा है। मनोज जी और मैंने काफी काम किया है, कुछ कहानियां तो मेरे दिल के इतने करीब हैं, मेरी जिंदगी की मेमोरीज में रजिस्टर हो चुकी हैं, और मनोज जी मेरे हीरो थे उसमें। हमने बहुत सुंदर सुंदर कहानियों पे, निर्गुण जी की कहानियां हैं, वो टेलीविजन पर एक शो आता था एहसास,
उसमें अलग अलग कहानियां रहती थी, उनमें आई थिंक हमने 3 कहानियों में शायद साथ काम किया है, और मनोज जी मेरे हीरो रहे हैं, और मनोज जी सो सीनियर, लेकिन हमने जब साथ में काम किया इतना कुछ सीखने को मिला, और वो इतने अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब वो बॉम्बे में थे तो वो मेरे हस्बैंड के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं मनोज जी और हरिल हम लोग बैठकर म्यूजिक की मतलब शामें करते थे। मनोज जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, गाना गाते हैं, मैं खुद गाना गाती हूँ, तो हम लोग की बहुत मजेदार होती थी। फिर उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए कुछ समय पहले, तो हमने उनको बहुत मिस करते हैं वैसे, बट एनीवेज वो अपनी फैमिली के साथ हैं, खुश हैं। तो बट मनोज जी वी रियली मिस यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ही इज बीन सच अ फैबुलस को जी एक्टर इन माय लाइफ एंड आई हैव एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। ही इज सच अ हम्बल को एक्टर। थैंक यू मनोज जी। यस ये जरूर कहना चाहूंगी, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कभी कभी नेट का इश्यू हो जाता है, ये कोई ये बहुत आम बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हम मिल तो पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अरे प्रीति जी लिखती हैं आपके थोड़ी लिए, आपका सीन में होना ही उसको पॉजिटिव वाइब से भर देता है, कि आप जब सीन में होती हैं उससे थैंक यू। पॉजिटिव वाइब से वो सीन को भर देता है, आप में इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। हमारे एक और रंगकर्मी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी, बिल्कुल। आभा अगर आप आ हेलो जाओ मैम। स्क्रीन पे। जी मैम हेलो आभा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज कि आप आ रहे हो। जी और आपने अभी रिसेंटली आभा, नागिन आपका शूट, माइक, आपका आभा हाँ आभा जी, आभा आपका कैमरा नहीं दिख रहा, आप दिख नहीं रही। मैं नेटवर्क इशू आ रहा है शायद से कोई, सवाल पूछ बट रहे, कोई सवाल नहीं पूछ रहे। जी। तो मैम अभी अभी आपने नागिन की शूटिंग खत्म करी है, नागिन सीजन अरे 4 ऑफ एयर हुआ है, तो एक सुपर नेचुरल थीम पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उस पे शूट करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि मेरे को उसमें आपका किरदार इतना पसंद आया, मतलब सच में। थैंक यू आभा। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं नागिन जैसा जो ऐसे सुपर नेचुरल शोज होते हैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन अगेन बालाजी इज अ फैमिली, और एकता चाह रही थी कि मैं वो कैरेक्टर करूं, और इसीलिए मैं मना तो नहीं कर पाई। लेकिन वो एनीवेज लॉकडाउन के कारण वो जो है शो वो जल्दी रैप अप हो गया, क्योंकि वो कैरेक्टर में बहुत सारी लेयरिंग्स थी, इसीलिए वो चाह रही थी कि मैं वो कैरेक्टर करूं। लेकिन मैंने जितना भी किया, क्योंकि फिर तो हमने रैप अप ही किया क्योंकि वो आना था नागिन 5, लेकिन जितना भी किया मुझे, मैं तो इनफैक्ट अपना दिमाग लेके ही नहीं जाती थी, पहला शो था वो, क्योंकि वो इस सुपर नेचुरल में आप एक सीन करते हैं फिर कुछ हो जाता है, फिर वहां से फलाना नागिन निकल आती है, फिर ढिमकाना से ये हो जाता है। सो एंड आई एम अ वेरी रैशनल एक्टर की व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों नहीं हुआ इससे पहले तो, लेकिन ये हुआ था तो ये तो वो। तो मुझे इनफैक्ट हंसते हुए, हमारी जो क्रिएटिव है बहुत अच्छी है मुक्ता, उन्होंने बोला भी था कि सुप्रिया जी आप अपना ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करेंगी, तो मैं उस ब्रेन जो है वो बहुत यूज करती थी, और वैसे उसकी बहुत लेयरिंग थी, तो अब लेकिन बात करने का फायदा नहीं है। तो वो अगर कैरेक्टर जैसा वो चाह रही थी, मुझे तो खैर बताया हुआ था उन्होंने, तो बहुत ही मजा आता। लेकिन लॉकडाउन के कारण वो रैप अप हो गया, क्योंकि वो होता भी वैसे भी स्पेसिफिक टाइम का है, उसमें से 3-4 महीने चले जाए तो ऑडियंस का वो नहीं हो पाता है कनेक्ट, तो इसीलिए नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैंने जितना भी किया मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके की चीजें नहीं करी थी कि पीछे से यहाँ से कोई नागिन आ जाती है, और फिर यहाँ से वो बच्ची जो है वो है तो मेरी बेटी, लेकिन वो नागिन बन रही है, तो बड़ा मजेदार। एक तो वो जो बच्चे होते हैं ना कौतूहल के साथ सारी चीजें देखते हैं, मैं भी ऐसे ही सारी चीजें देखती रहती थी, अभी ये, अरे ये नागिन, अरे ये वो हो गया, अरे ये ऐसे पलट गया, अरे ये तो इच्छा था। मेरे भी बहुत ऐसा वो बच्चे जैसा वो मेले में होता है वैसा मैंने पूरा शो किया है, बच्चों किया है। सो थैंक यू आपा, बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए शो, बिकॉज जैसे बच्चे वो गोली वाली गोली देखकर वो मेले में चीजें देखकर खुश हो जाते हैं ना, मैं हर शूट पे वहां ऐसी एक्साइटेड सी रहती थी कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, अभी ये नाग बन जाएगा, अभी ये नागिन बन जाएगी, अभी ये कुछ हो जाएगा, अभी पत्ते यहाँ पर ऐसे ऐसे करने लगेंगे, अभी रेत के नीचे जाएगा, तो बहुत सुंदर अलग ही एक्सपीरियंस था। टेक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
क्या बात। कोई और हमारे पंकज, अगर आप सवाल पूछना चाहें आप प्लीज आ जाइए स्क्रीन पर, या कोई और रंगकर्मी जो सवाल पूछना चाहें आ जाएं। हेलो शायद नहीं मैम, है। नमस्कार। बहुत सारे आपको लोग हैं। देखकर हाँ सच में पंकज, बहुत खुश आप लग रहा है। जी पंकज। थैंक यू हाँ पंकज। मैम, आपने तो लगभग लगभग मेरे दो सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि एक दिन में आप दो दो करेक्टर, एक कॉमेडी का और एक सीरियस करेक्टर भी किया करते थे, तो उसमें क्योंकि आपका करेक्टर जब भी हम सीरियल पे देखते हैं ना, टीवी पे देखते हैं, तो आपकी चुलबुलाहट जो है ना वो नजर आती है बहुत चुलबुले। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि कॉमेडी करेक्टर को करते वक्त वो सीरियस करेक्टर घुस गया हो, या सीरियस करेक्टर करते हुए कॉमेडी घुस गई हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ है कभी ऐसा। इनफैक्ट मुझे एक मैं एक्चुअली कई बार पहले भी मतलब सेट पर सबके साथ बातचीत करते रहते हैं और एनर्जी उसमें लगती है, तो मैं एक वाक्या जरूर बताना चाहूंगी। मैं एक शो कर रही थी, हम लोग महाबलेश्वर में शूट कर रहे थे, तो उसमें मेरे साथ एक सीनियर एक्टर थी नीना कुलकर्णी। बहुत वो मेरी मदर इन लॉ का कैरेक्टर कर रही थी और मेरे बच्चे बने हुए थे। एक बच्ची थी वो कॉलेज में थी, यहीं पे बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ती थी। फिर एक और एक्टर थी, उसका पहला शो था वो, और इस तरीके से मैं उनके साथ मस्ती कर रही थी। एंड दे वर ऑल लाइक यू नो टॉकिंग, अरे मैम ये वो, ऐसा चल रहा था मस्ती। एंड कट टू मुझे एक इम्पोर्टेंट सीन में फिर एंटर करना था मैम के साथ, नीना मैम के साथ, नीना कुलकर्णी के साथ। तो मैं ये करते करते जब अंदर घुसी, मेरे हिसाब से मैंने सीन करा हुआ था, हमने रीडिंग भी करी थी एक दो बार। और जब मैं घुसी अंदर तो मैंने करना शुरू करा, उसके बाद नीना जी ने बीच में कट करा दिया। और नीना जी बहुत सत्यदेव दुबे वगैरह जी के साथ थिएटर कर चुकी हैं और वो बहुत ही प्रोमिनेंट मराठी एक्ट्रेस हैं, नेशनल अवार्ड उनकी फिल्मों को, मतलब बहुत अच्छी कलाकार हैं वो। तो उन्होंने जब उन्होंने जब मुझे कट करा तो मैं एकदम से, मैंने ऐसे उनको देखा और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है, पर मुझे लगा समझ में नहीं आया कि क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू व्हाई डिड यू डू दिस। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं तो, शी सेड नहीं तुमने पूरी एनर्जी के साथ किया ही नहीं सी। तो मैंने बोला नहीं नीना मैम मैंने पूरी एनर्जी के साथ, तो शी सेड नहीं तुम में बहुत एनर्जी है तुमने तो नहीं। सो आई सेड नो। सो शी एक्चुअली, उन्होंने मुझे अंग्रेजी में ये बात बोली, मैं हिंदी में तर्जुमा करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी करती हो करती रहो, ये जो तुम बातें करती हो और हंसी मखौल करती हो, लेकिन यहाँ तुम काम करने आई हो। तो जब तुम्हारा सीन शुरू हो उससे 2 मिनट पहले तुम सीन को दो, क्योंकि तुम सीन की हो, और उसके बाद उस एनर्जी के साथ ही उस सीन में घुसो, तो फिर फर्क देखो। तुमने ये लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छा सीन किया, लेकिन तुम इसे बहुत बेहतर कर सकती हो, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करा। वो बात मैंने गांठ बांध ली। आज आई थिंक 10-11 साल हो गए हैं इस बात को। तो मैं हमेशा सीन से 2 मिनट पहले थोड़ा सा अलूफ मेंटली हो जाती हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो इमोशनल हो। क्योंकि ये जो मैं रोल करती हूँ कुमकुम और कुंडली भाग्य का, जो मैं 6.5 साल से कर रही हूँ, ये बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है, उसमें मैं बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं करती हूँ। वो और वो बहुत ड्रेनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें ताकत लगती है, क्योंकि शी इज अ मदर और वो बहुत ही ताकतवर मदर है। और मुझे पता है जब हम एक रियल मदर होते हैं तो अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, तो शो में नेचुरली वो 1 इंच ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो आप ड्रामेटिक भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं उसको रियलिज्म के साथ ही करती हूँ। आप रोते हैं, आप इतना आपको इमोशनल होता है और आप बहुत ताकत लगती है, सिमिलरली कॉमेडी में भी लगती है। तो मैं मिक्सअप नहीं कर पाती, क्योंकि वो 2 मिनट जो मैं पहले लेती हूँ वो उसमें मैं अपने आप को समा लेती हूँ, और फिर मैंने रोल रोलिंग और एक्शन के बाद जो मैं करती हूँ, मुझे खुद में नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ, एक नशा होता है। और ये मैं सच में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे उस समय जब एक्शन होता है मुझे नहीं पता होता कि मैं सुप्रिया हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मेरा फोन कहाँ है, या मेरे बच्चों को क्या, मेरी जरूरत क्या, मेरा एक हस्बैंड, आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। जब वो कट होता है उसके बाद जाके मैं 1 मिनट के बाद वापस आती हूँ कि ओ शिट मैं तो एक्टर हूँ, ओ मुझे घर फोन करना था, ओ मेरी मेड ने कहा था कि ये क्या कहते खीरा लाना है, ओ मुझे ड्राइवर को ये बोलना था, वो तब तब मुझे कुछ याद नहीं होता, कुछ याद नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर कलाकार को ऐसे ही ऑपरेट करना चाहिए, तो फिर कभी गलती नहीं होगी मिक्सअप की।
थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा एक टिप दी है हाँ हमें ये मानना कि हमें भी ये चीज है। करनी है, क्योंकि हम भी थिएटर करते हैं तो हमारे लिए हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है इसलिए। थैंक यू। नोरिन शर्मा जी और बहुत सारे व्यूअर्स ये लिख रहे हैं कि गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए गाना सुने। नोरिन हाउ आर यू, आपको कौन सा गाना सुनाओ? पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट गाना है और उसकी मैं दो लाइनें गा देती हूँ। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी, जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, हर कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू बहुत नॉरिन, आई खूबसूरत। थैंक। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी, यस बहुत खूबसूरत। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, इतना मेलोडियस, इतना मेलोडियस। तो बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट सॉन्ग है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा हाँ गजल पे, जब जैसे हमने कहा थोड़ी थोड़ी वो आ जाती है नेट का इश्यू, लेकिन वो उसको भी हम ओवरकम कर लेते हैं आपस में बात करके। सुप्रिया जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज एज अ मदद, करिश्मा का करिश्मा प्लीज। क्या कहेंगी, क्या हाँ मेरी कहेंगी? बेटिया जो है उसने बचपन में, क्योंकि हम लोग इस फील्ड से थे और इसीलिए नेचुरली उसको सबने देखा हुआ था, प्रदीप के साथ उसने ऐड किया है जो ऐड अवॉर्डेड भी था जिसमें वो मेन मॉडल थी। इनफैक्ट तब वो 5 साल की ही हुई थी और दादा ने क्योंकि उसको बचपन से देखा हुआ था जब से वो 1-1.5 साल की थी तो इसीलिए उसका ऑडिशन हुआ था। और आई थिंक कोई 300 बच्चियों का ऑडिशन हुआ था, उसमें से फिर वो दादा को कोई मिल ही नहीं रही थी और फिर एक दिन वो मुझे बोले कि प्रिंसी उसका निकनेम है वैसे, जनक है, कि प्रिंसी को ले आ। तो मैंने बोला क्यों, तो ही सेड कि जस्ट गेट हर, लाइक ओके। तो मैं ले गई और वो बहुत सेंसिटिव है, उसको जरा सी भी वॉइस रेज करो, हमारे घर में हम तीनों मतलब हम सभी सेंसिटिव हैं काफी और आई थिंक एक्टर सेंसिटिव होता भी है, तो वो एकदम उसकी आंखें भर जाती हैं। और दादा ने बोला कि ये फ्लाई कर रहे हो तुम, तब हम दिल्ली में ही रहते थे तो मैं उसको ऐड कराने यहाँ बॉम्बे आई थी और फिर हम ऐड करके चले गए। फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई उसके बाद उसको ऑफर आया वो करिश्मा का करिश्मा का, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं था मन, लेकिन वो स्मॉल वंडर देखती थी एंड शी वॉज अ हार्ड कोर फैन, तो उसने बोला मम्मा मुझे करना है। तो मैंने उसको बोला बेटा बहुत मुश्किल होता है ये सब, हम मतलब नहीं हो पाएगा स्कूल ये वो, बट थैंकफुली सीबीएसई जो है वो पढ़ाई में काफी आगे है और बॉम्बे की पढ़ाई सीबीएसई के हिसाब से उतनी टफ नहीं है, तो वो जो पढ़ के आ चुकी थी वो ही उसको दोबारा पढ़ना था, तो लकीली वो गई और अगेन उन्होंने बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी ऑडिशन कर रखी थी बट दे वर नॉट गेटिंग द गर्ल एंड शी हैज लिटिल ग्रे एंड ग्रीन आईज और वो सिलेक्ट हो गई। बस उसने करिश्मा का करिश्मा किया और उसी टाइम कल होना हुआ आ गया और दैट्स इट। उसके बाद मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि वो पढ़ाई और दूसरा, और जबकि वो वीक में एक बार आता था, डेली सोप भी नहीं था, वीकली था, तो लेकिन बहुत इसीलिए बहुत बहुत फेमस सीरियल, बहुत फेमस सीरियल बच्चों के लिए, तो क्योंकि मुझे याद है मेरे बच्चे वही देखते करेक्ट इट इज वेरी फेमस। वो अगेन वो भी लकी है कि उसने थे। किया और वो
आज वो 24 ईयर्स की है, शी इज एम ए इन आर्कियोलॉजी, और वो अभी MBA भी कर रही है, और मतलब बहुत कुछ है। और उसने फिर उस फील्ड को परस्यू नहीं किया बिकॉज वो पढ़ाई, उसको हिस्ट्री वगैरह काफी इंटरेस्ट करती थी, तो वो आर्कियोलॉजी करने इनफैक्ट डेक्कन कॉलेज गई पुणे, जो वन ऑफ द बेस्ट है इन इंडिया, उसका वहां एडमिशन हो गया, वहां एंट्रेंस दिया उसने वो सब। तो वो अपनी जिंदगी अपनी मस्ती से जी रही है। तो ये बात भी मैं इनफैक्ट जो मतलब चाहते हैं एक्टिंग करना, उनको बोलना चाहूंगी कि अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। वो बच्ची थी तो ये हमारा भी फर्ज बनता था कि उसको ये अच्छा लगता था तो कुछ समय तक करने दिया, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपके इंटरेस्ट क्या होते हैं, और आपके इंटरेस्ट को आप कंट्रोल क्यों करो, लेट इट फ्लो। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो करो, जरूरी थोड़ी किसी ने बांधा हुआ है कि एक्टिंग ही करनी है, और एक्टिंग जब भी करनी है, जब मन करेगा तब क्या कर। बात। तो इसीलिए वो भी एक एग्जाम्पल है कि इतनी, मुझे हर आदमी पूछता है कि वो इतनी फेमस थी तो सुप्रिया जी आप क्या उसको रोकते हो? मैंने बोला मैं उसे क्यों रोकूंगी, इट इज सच अ ब्यूटिफुल फील्ड, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, उसके पापा पार्ट है, हमारे दोस्त हैं इतने सारे, मैं खुद जिनके साथ काम करती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स, दे आर पार्ट ऑफ इट, कमिंग फ्रॉम सच गुड फैमिली, तो मैं क्यों रोकूंगी? उसका इंटरेस्ट अभी उससे ज्यादा किसी और पर है, तो उसको वो जीने दो, उसको उसकी मर्जी लेने दो जीवन में। True. तो True. इसीलिए मतलब जिसका मन करे बच्चे का, उसको वही करने देना चाहिए। चलते चलते जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? अगेन जैसा मैं बार बार बोल भी रही हूँ काजल, मैंने अगेन वही रिपीट करूंगी कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको पैशन बहुत होना चाहिए एक्टिंग करने का, एज एन एक्टर आप कितना बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए जर्नी सेम ही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। कईयों के लिए रोड ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, कईयों के लिए बिल्कुल प्लेन होती है, कईयों के लिए एकदम से आसान होती है, कईयों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद काफी सारे एक्टर्स को जानती हूँ जो आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन उन्होंने 12 12 साल तक स्ट्रगल किया है। सोचिए कि कितनी शिद्दत होगी उनको इस काम से कि 12 साल बिना काम मिले, छोटे मोटे काम कुछ भी करके खुश रहकर उन्होंने वो काम किए, उसके बाद वो आज यहाँ पहुंचे। अगर आपने इतना पेशेंस है या आपको अपने काम से इतना इतना प्यार है, तभी इनफैक्ट कोई भी इंसान, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स करना चाहता हो, चाहे वो पेंटिंग करना चाहता हो, इफ यू डोंट लव योर वर्क देन यू डोंट हैव द पेशेंस टू टेक द हार्डशिप्स ऑफ इट, सो देन ऑल यू नो इजी वे आउट तो हर कोई निकाल सकता है, एक मिडिल पाथ जहां पर, लेकिन अगर आपको एक्सीलेंस पे जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू दोज वेज, आपको उन रस्तों से गुजरना ही पड़ेगा जिन रस्तों पर मेहनत तो होगी लेकिन साथ साथ आपका विश्वास भी होगा कि आप एक दिन जरूर कर पाएंगे, आपका ये सोच होगी कि मैं कुछ भी कर कर उस रास्ते पर जरूर चलूंगा और वहां तक पहुंचूंगा, फिर आप जो भी काम होगा पैशन ना वो बहुत छोटा हो, जरूरी। तो आपको सरवाइव करने के लिए कुछ भी करना ही चाहिए ताकि आप दिखते रहे, क्योंकि हमारी फील्ड में एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, अच्छी क्या कहूं, दिखता है जो दिखता है वो बिकता है, तो अपने आप को बेचने के लिए आप थोड़ा थोड़ा दिखो ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ जहां तक की जर्नी की शुरुआत करने के लिए आप इस जगह पर आए हो, बॉम्बे शहर में आए हो या कहीं जहां शहरों में आप एक्टिंग करना चाहते हो, लेकिन कमर कस लो, हर आदमी कसनी पड़ती है, एथलीट भी कसता है, कितनी मेहनत करता है तब जाकर एक पहुंचता है ओलंपिक तक, तो कोशिश करो कि ओलंपिक तक पहुंचो, नहीं भी पहुंचे तो कोई अंत थोड़ी हो गया जीवन का, नेशनल तक तो पहुंच जाओगे, तो और उसके पास हंसते हुए अपनी जर्नी जो है वो आप कवर कर पाओगे, दैट इज वॉट आई फील। सो ब्यूटीफुल इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। थैंक यू यस, सुप्रिया जी, थैंक यू सुप्रिया जी। तो एवरीबॉडी सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो सब इस प्रोग्राम को देख रहे थे, काजल के प्यारे प्यारे सवालों को सुन रहे थे, मेरे जवाबों को सुन रहे थे, मुझे प्यार करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू काजल फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू मुझे यहाँ रूबरू में थैंक बुलाने के यू। लिए।
थैंक यू हमारे यहाँ पे आने के लिए. वी वी ओ यू ग्रेटिट्यूड. थैंक्स अचान. थैंक यू थैंक यू. यू. हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो रूबरू के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारी हौसला अफजाई करने के लिए. और मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल शाम को शख्सियत का एक और अंक होगा. रूबरू थिएटर गुप्ता जो शख्सियत चल रहा है कल शाम को 7 बजे हमारे साथ होंगे अजंग कर्मी, म्यूजिशियन, सिंगर, सिनेमा से जुड़े हुए, टेलीविजन सीरियल से जुड़े हुए एनएसडी ग्रेजुएट गोविंद पांडे जी. तो कल शाम को 7 बजे दोबारा से हमसे मिलिएगा. रूबरू होंगे उनकी जर्नी से, उनके संगीत को लेकर, उनके थिएटर को लेकर, फिल्मों को लेकर, सिनेमा को लेकर, टेलीविजन को लेकर और म्यूजिक को लेकर हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे. मिलते हैं कल शाम 7 बजे गोविंद पांडे जी के साथ. तब तक के लिए शुभ रात्रि.